फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में, जो मेरे इससे पहले के 7 वीडियोस आ चुके हैं, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में थ्योरी का पोर्शन बताया था ब्रांच अकाउंट का, और उसके बाद के लगभग 3 और 4 वीडियोस हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हुए हैं और अलग अलग टॉपिक्स को उसमें डिस्कस किया हुआ है। इसी सीरीज़ में, इसी क्रम में आगे आज हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और वो है जब देनदारों का अंतिम शेष ना दिया हो, मींस व्हेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज नॉट गिवन। तो टॉपिक है हमारा व्हेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज नॉट गिवन। जब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद ब्रांच अकाउंट को बनाएंगे। तो ये हमारा एक जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल हमने आज लिया है, वो है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डेली ब्रांच। डेली ब्रांच का ये पर्टिकुलर्स नीचे दे रखा है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के यहाँ हमें डेली ब्रांच अकाउंट बनाना है, और इसमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसी तरह से हैं जैसा कि इससे पहले के वीडियोस में जो न्यूमेरिकल्स थे उनमें था। केवल डिफरेंस ये है कि इसमें डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट को बनाते हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसके लिए सिंपली वैसे ही जैसे अकाउंट के कॉलम्स बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। और इसमें डेटर्स से रिलेटिंग जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हुई हैं वो हम लिख लेंगे। जैसे कि इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स क्वेश्चन में दे रखा हुआ है सेकंड लाइन में, जहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू है। तो पहले स्टॉक का बैलेंस दे रखा हुआ है ओपनिंग, और फिर डेटर्स का दे रखा हुआ है, तो इस बैलेंस को हम लिख लेंगे। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000 रुपीज़। टू बैलेंस बी डी, ये जो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 15,000 दिया हुआ है वो यहाँ पर लिख लेंगे। और इसके बाद इसमें एक चीज़ और दे रखी हुई है, इन्हीं इन्फॉर्मेशन में आगे दे रखा हुआ है नीचे, क्रेडिट सेल ड्यूरिंग 2015 का ये हम बना रहे हैं, और इसमें जो क्रेडिट सेल दे रखी है उसको हम डेबिट कर लेते हैं। इसमें 1,14,000, 1,14,000 रुपए की टू क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स दे रखी है 1,14,000 की, और इसके साथ ही अब डेटर से जितना भी अमाउंट रियलाइज हुआ है थ्रू आउट द ईयर वो हम लिख लेंगे। और वो दे रखा है जहाँ पर रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग 2015 दे रखा हुआ है, उसमें कैश सेल का भी अमाउंट दे रखा हुआ है, और नीचे रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दे रखा हुआ है 1,05,000 का, तो उसको हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख लेंगे। और इसके लिए हम एक जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और उस एंट्री के माध्यम से ये हमारा यहाँ पर बाई कैश करके आ जाएगा।
इसको चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन कलेक्शन या रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये अपने समझने के लिए लिख लिया हमने, चाहे तो बाई कैश भी लिख सकते हैं, बाई कैश अकाउंट कर देंगे इसको, और ये अमाउंट आ जाएगा 1,05,000 का। और ये जो क्रेडिट सेल है तो इसको भी अगर हम देखें तो इसको एंट्री के उससे ले सकते हैं, जनरल एंट्री इसकी बना सकते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल करके ये एंट्री भी बनाई जा सकती है। और अब इसका जो बैलेंस आएगा, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है इसमें, तो अब इसका क्लोजिंग बैलेंस हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले तो इधर का टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इधर ही का बड़ा दिख रहा है, इधर तो केवल 1,05,000 है, तो इधर का कितना हो गया देखते हैं, 5 और 4 9 हो गया, 1,12 हो गया, और ये 1 हो गया, 1,29,000 ये इधर का टोटल आ गया। और इसमें से थोड़ा रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1,29,000 में से जो इधर हमारा 1,05,000 है इसको लेस कर दिया क्रेडिट वाला, एंड द बैलेंस इज ये माइनस कर दिया हमने, लेस कर दिया इसमें से, 9 माइनस 5 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये हमारा 24,000 आ गया, जो कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कहलाएगा। इसको हम लिख देंगे बाई बैलेंस सी डी कैरेट डाउन, एंड द अमाउंट इज 24,000। और अब इधर का भी टोटल उतना ही हो जाएगा जितना डेबिट का हुआ था, 1,29,000। चाहे तो इसको ऐड करके भी देख लेते हैं, 5, 4, 9 हो गया और 10 और 2 12 हो गया। और इसको हम, ये हमारा क्या हो गया बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, इसको ब्रैकेट में हम लिख के दिखा देते हैं क्लोजिंग, ये लिखना नहीं है जब आप क्वेश्चन करेंगे, ये आपको समझाने के लिए लिखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो इस तरह से ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स निकल आया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट कंप्लीट हो गया, एंड नाउ वी स्टार्ट ब्रांच अकाउंट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली ब्रांच अकाउंट हम अब बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट जो बना रहे हैं इसका, किसकी बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का नाम तो दिया नहीं है तो केवल इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब ब्रांच का नाम लिख लेंगे, दिल्ली ब्रांच अकाउंट है लिख लेते हैं, दिल्ली ब्रांच अकाउंट। एंड द थर्ड लाइन इज फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015, फॉर द ईयर एंडेड एट 31st December 2015। अब इसके कॉलम्स बना लेते हैं, सबसे पहले इसमें जो जहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारी शुरू हो रही है
तो उसमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हुए हैं, स्टॉक का दे रखा है पहली लाइन में, एंड इन द नेक्स्ट लाइन डेटर्स का दे रखा है, फिर पेटी कैश का दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, जैसा इससे पहले के वीडियोज में भी लिखते आए हैं, टू ओपनिंग बैलेंस बैलेंस ऑफ एसेट्स सबसे पहले स्टॉक का बैलेंस दे रखा हुआ है एंड द अमाउंट इज 7,500 रुपीज, 7,500 रुपये बाहर निकाल देंगे इसको। इसके बाद दे रखा है डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ है, डेटर्स एंड द अमाउंट इज 15,000, 15,000 रुपये आफ्टर दिस पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2015 दे रखा हुआ है 150 रुपीज़। तो पेटी कैश लिख लेंगे इसके बाद। पेटी कैश 150 रुपीज़। इसके बाद है गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग 2015, 2015 में ब्रांच को जो भी गुड्स भेजा गया है वो है 1,26,000, 1,26,000 रुपये। तो इसको उसी तरह से लिखेंगे, टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। इसके लिए जनरल एंट्री पहले भी बता चुका हूं मैं कि दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ये इस तरह से 1,26,000 डेबिट कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर 1,26,000। और इसके बाद ये रखा है रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग 2015। तो रेमिटेंसेस यानी जो वसूली हुई है ब्रांच से, हेड ऑफिस को जितना कैश मिला है तो वो लिखा जाएगा इसमें, और वो आ जाएगा। उसके लिए भी जनरल एंट्री में पहले बता चुका हूँ कि कैश अकाउंट डेबिट और टू दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनेगा। तो इस तरह से इसकी बाई कैश करके इसकी पोस्टिंग आ जाएगी इधर, बाई कैश अकाउंट। इसमें पहला तो आ जाएगा कैश सेल्स, एंड द अमाउंट इज, कैश सेल्स का अमाउंट दे रखा है 30,000 रुपीज़, बाहर ही निकाल सकते हैं चाहे तो अंदर भी ऐड करके बाहर निकाल सकते हैं, 30,000 रुपीज़ ये लिख दिया। नेक्स्ट फ्रॉम डेटर्स या कलेक्शन, रिसीव फ्रॉम डेटर्स या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो लिख देते हैं इसमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और डेटर्स से हमें कितना अमाउंट मिला है उसको देखते हैं। तो ये अमाउंट है 1,05,000 रुपीज़, 1,05,000 रुपये। इन दोनों अमाउंट को चाहे तो हम अंदर प्लस करके भी दिखा सकते हैं और चाहे डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो ये आ गया। इसके बाद है क्रेडिट सेल्स दे रखा हुआ है, तो क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है, वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो बनाया था उसमें लिख चुके हैं। इसके बाद है चेक्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग 2015, और 2015 में हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक भेजे हैं अमाउंट के लिए, किन किन एक्सपेंस के लिए भेजा है। फॉर सैलरीज लिखा हुआ है 4,500 रुपीज़, फॉर रेंट एंड टैक्सेस है 750 रुपीज़, फॉर पेटी कैश है 550 रुपीज़। तो ये सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक भेजे हुए हैं। अगर चेक नहीं लिखा होता तो अभी तक हम हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर टू कैश लिखते आए थे। अब चूंकि चेक भेजा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे, और ये डेबिट हो जाएंगे सारे एक्सपेंसेस,
जनरल एंट्री अगर बनाना चाहते हैं तो पहले भी बता चुका हूं मैं, डेली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते थे, और इस क्वेश्चन में हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, तो टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर जिन जिन एक्सपेंसेस के लिए भेजा गया है तो उन एक्सपेंसेस को भी मेंशन कर देंगे। सैलरीज है 4,500 रुपीज, सैलरीज 4,500 रुपीज, और दे रखा था रेंट एंड टैक्सेस, इन सबको अंदर ही ऐड कर लेंगे। रेंट एंड टैक्स, इसका अमाउंट है 750 रुपीज, और एक एक्सपेंस तो आप दे रखा था पेटी कैश के लिए भेजा था 550 रुपीज, पेटी कैश 550 रुपीज, और इन तीनों का टोटल करके प्लस करके इनको हम बाहर निकाल देंगे और बैंक अकाउंट के सामने लिख देंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा 0 5 5 10 कैरी 1 1 5 6 6 7 13 13 5 18 कैरी 1 1 4 5 5,800 5,800 रुपए के एक्सपेंस के लिए चेक जो है हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। अब क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स दे रखा हुआ है, एक तो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और पेटी कैश का दे रखा है, तो पहले इन बैलेंसेस को हम लिख लेंगे। बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में तो हम लिख लेंगे इसको, एक तो स्टॉक दे रखा हुआ है 12,500 रुपीज़, 12,500 रुपये का स्टॉक दे रखा है, का स्टॉक हो गया, और फिर दे रखा है पेटी कैश का भी 31 दिसंबर को दे रखा है इसका बैलेंस 100 रुपीज़ का, तो ये लिख लेंगे पेटी कैश 100 रुपीज़। और एक जो बैलेंस हमने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाला था इससे पहले ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने के बाद उस अकाउंट से निकाला था, तो वो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो कि हमारा 24,000 आया था वो भी लिख लेंगे यहाँ पर, DEBTORS डेटर्स 24,000, ये हमारा इससे पहले के वर्किंग नोट में आ चुका है, हम बैलेंस को निकाल चुके हैं। तो अच्छा, इसके बाद जो है एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और दे रखी हुई है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये पॉइंट भी जो है इस क्वेश्चन में नया है, अभी तक के न्यूमेरिकल्स में नहीं आया हुआ है, यानी ब्रांच ने कुछ गुड्स जो है हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, चाहे तो वो बचा हुआ होगा या डिफेक्टेड गुड्स होगा, किसी भी तरह से वो गुड्स जो है ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, तो इसके लिए हमारी क्या जर्नल एंट्री बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। गुड्स को जब हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है तो ये एंट्री बन जाती है, डेली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, और जब गुड्स रिटर्न किया जाता है ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को तो उसके लिए इसकी रिवर्स एंट्री बन जाती है, अपोजिट एंट्री बन जाती है, मीन्स इसमें हमारा ब्रांच डेटर से ये ब्रांच अकाउंट को हमारा क्रेडिट हो जाएगा और गुड सप्लाई टू ब्रांच डेबिट हो जाएगा। चाहे तो मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ये तो हमारा डेबिट हो जाएगा, और टू
दिल्ली ब्रांच अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बनेगी। तो इस एंट्री की जब हम इस अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम दिल्ली ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो इसके क्रेडिट साइड में यहां पर आएगा और इसको हम क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। इसको हम जो क्लोजिंग बैलेंसेस हमने लिखे हैं इससे ऊपर बीच में हम इसको पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सबसे लास्ट में ही आते हैं। इधर हम लिख देते हैं बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, ब्रांच को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्रांच अकाउंट, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं गुड्स रिटर्न, इसलिए हमने बनाई है ये एंट्री। तो उसके लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में रेफरेंस दे देते हैं गुड्स रिटर्न, और इसका जो अमाउंट है वो दे रखा हुआ है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपए का माल ब्रांच द्वारा हेड ऑफिस को लौटाया गया है, तो उसकी ये एंट्री है। ये थोड़ा बीच में मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान से देख लें। और इस तरह से इसकी सारी एंट्रीज अब पोस्ट हो चुकी हैं, और अब इसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो इसका हमने क्रेडिट का टोटल ले लिया यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, तो ये टोटल हमारा आ गया 1,72,600 रुपीज़ क्रेडिट का टोटल हो गया। और डेबिट का टोटल करते हैं तो ये 7,500 से लेकर 5,800 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल ये हमारा हो गया 1,54,450 रुपीज़, ये डेबिट का हो गया 1,54,450 रुपये, 1,54,450 रुपये ये डेबिट का टोटल हो गया। और इसमें से बड़े वाले में से छोटा वाला हमने लेस कर दिया, तो ये हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट आया वो 18,150 रुपीज़ ये आ गया। और चूंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी डेबिट छोटी थी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्ट प्रॉफिट कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। तो इसको हम लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, जनरल पी एंड एल अकाउंट। और ये जो आंसर आया था वो लिखेंगे, जो लेस करके आया था वो 18,150 रुपीज़, 18,150 रुपये, और जो बड़ा वाला टोटल है वो दोनों साइड में इधर और इधर आ जाएगा। टोटल है 172,600, 172,600, 1,72,600 रुपये, और इधर भी इतना ही आ जाएगा 1,72,600 रुपीज़, 1,72,600 रुपये ये टोटल आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो एक तो ये रफ कैलकुलेशन, थोड़ा रफ कैलकुलेशन को रफ कर देते हैं, तो इस तरह से ये आपका ब्रांच डेटर्स वो सॉरी दिल्ली ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो गया। और इससे पहले का वर्किंग नोट भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या इससे पहले के जो भी न्यूमेरिकल के वीडियोस हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से शेयर करना ना भूलें, और इन वीडियोस को आप रिपीटेडली देखें, बार बार देखें, जिससे आपको पूरी चीज़ पूरा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही एक और ज़रूरी बात कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिलते रहें।
उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।